एक अच्छा खासा गेमिंग मॉनिटर या फिर एडिटिंग मॉनिटर खरीदने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको दुकान से लाते हैं, लाने के बाद उसको अनबॉक्स करके HDMI या फिर डिस्प्ले पोर्ट से अपने PC से कनेक्ट करके यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बट भाई ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है अपने मॉनिटर्स को यूज़ करने का। अपने मॉनिटर्स को खरीदने के बाद आपको अपने मॉनिटर्स का जो कलर्स है उसको कैलिब्रेट करना होता है, उसके बाद जाके आपको यूज़ करना होता है, जो कि 99.99% लोगों को नहीं पता होता है। इसीलिए लोग जो है अपने मॉनिटर्स का जो पैनल है उसको बहुत ही बुरा बोलते हैं कई बार, और कई बार तो मॉनिटर्स का पैनल जो है एक्चुअली में बहुत बुरा होता है। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपने अपना जो मॉनिटर्स है उसका जो कलर्स है उसको कैलिब्रेट नहीं किया है, तो उस वजह से आपका जो मॉनिटर्स है वो थोड़ा सा रेड टिन दिख रहा है या फिर थोड़ा सा ग्रीन टिन दिख रहा है, और आप जो है कंप्लेन कर रहे हो कि आपका जो मॉनिटर्स का जो पैनल है वो अच्छा नहीं होता है। सो हे गाइस, दिस कुशाल एंड यू वाचिंग माइनरटेक्टिप्स। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मॉनिटर्स का जो कलर्स है उसको प्रॉपरली कैसे कैलिब्रेट कर सकते हो और अपने मॉनिटर्स में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलर्स जो है कैसे आउटपुट पा सकते हो। इसका मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, जो कि एक ऑटोमेटिक मेथड होने वाला है और जो दूसरा मेथड होने वाला है वो एक मैनुअल मेथड होने वाला है कि आप मैनुअली कलर कैलिब्रेट कैसे कर सकते हो और ऑटोमेटिकली भी कैसे कलर कैलिब्रेट कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो बहुत ही यूनिक एंड कमाल का होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब विज़ार्ड में ऐसे नहीं करते हैं, चलो हम लोग देख लेते हैं कि आप अपने मॉनिटर्स को जो है परफेक्टली कलर कैलिब्रेट कैसे कर सकते हो। परफेक्टली नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट परफेक्ट कैसे कलर कैलिब्रेट कर सकते हो। तो अपने मॉनिटर्स का कलर कैलिब्रेट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ जरूर बता देना चाहूँगा कि ये सिर्फ LG मॉनिटर्स के लिए नहीं है, ये आपका डेल, एसर, AOC, AOPEN, जितना सारा भी गीगाबाइट जितना सारा भी मॉनिटर्स है आपका वो सारे के लिए अवेलेबल है। जो नए मॉनिटर्स हैं उसके लिए आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, और जो पुराने मॉनिटर्स हैं उसके लिए भी आप कैसे कलर कैलिब्रेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एक्चुअल कलर कैलिब्रेशन में जाने से पहले आपका मॉनिटर का जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है उसको आपको मैनुअली ऐड करना है या फिर सेट करना है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि आपका जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है आपको किस मतलब कितना परसेंटेज में आपको सही लग रहा है। और अगर बात करें मेरा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्राइटनेस अगर मैं 80 रखता हूँ तो कॉन्ट्रास्ट जो है मैं 40 रखता हूँ, ब्राइटनेस जो है कॉन्ट्रास्ट का डबल रखता हूँ और कॉन्ट्रास्ट जो है ब्राइटनेस का हाफ रखता हूँ, जिससे मेरे को बेस्ट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो मेरे को देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस चाहते हो तो आपको कॉन्ट्रास्ट भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे ब्राइटनेस कम चाहते हो तो आपको कॉन्ट्रास्ट भी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। अब ये चीज़ मॉनिटर टू मॉनिटर यहाँ पे वैरी करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना मॉनिटर्स का जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है वो मेरी तरह ही रखो। यहाँ पे आप जो अपना मॉनिटर का जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है वो आप विजुअली यहाँ पे देख लो कि आपका जो मॉनिटर का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है वो सही आ रहा है कि नहीं। अपने मॉनिटर्स का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को सेट करने के लिए मेक श्योर कि आप विंडोज़ का जो लाइट थीम है वो यूज़ कर रहे हो, डार्क थीम यूज़ नहीं कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे दिस PC खोल के अपना जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है उसको अगर आप यहाँ पे सेट करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो वाइट्स है उसमें कितना ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, वाइट्स जो है कितना ज़्यादा ब्राइट हो रहा है या फिर ओवर ब्राइट हो रहा है, एंड जो कॉन्ट्रास्ट है जो दूसरे कलर्स है वो आपको किस तरीके से दिख रहे हैं। इस तरीके से आप जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे सेट कर सकते हो। और एक बार आपका मॉनिटर का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेट करने के बाद आपका मॉनिटर का जो गामा सेक्शन है वहाँ पे आपको देखना है कि गामा कौन सा आपका मॉनिटर के लिए सूट कर रहा है, कौन सा गामा में यहाँ पे आपको जो है बेस्ट व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से मेरा जो गामा 1, 2 और 3 है ये तीनों में ही यहाँ पे या तो ज़्यादा रेड दिख रहा है, या तो ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, या तो ज़्यादा ब्लू दिख रहा है। तो मेरे लिए गामा 4 जो एकदम परफेक्ट है, जहाँ पे वाइट जो एकदम परफेक्टली वाइट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गामा 4 यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो कलर टेम्परेचर है उसको आपको ना ही वार्म में सेट करना है, ना ही यहाँ पे आपको कूल में सेट करना है, और ना ही स्टैंडर्ड में सेट करना है। आपको अपना जो कलर टेम्परेचर है वो यहाँ पे कस्टम में सेट करना है। और एक बार कलर टेम्परेचर को यहाँ पे कस्टम में सेट करने के बाद आपका जो रेड, ग्रीन, ब्लू चैनल है ये तीनों को जो है आपको 100% में सेट करना है। रेड को भी 100%, ग्रीन को भी 100%, एंड जो ब्लू है उसको भी 100% में सेट कर देना है। ये चीज़ करने के बाद अगर आपका जो मॉनिटर है वो यहाँ पे ब्लैक स्टेबलाइजर सपोर्ट करता है तो ब्लैक स्टेबलाइजर को यहाँ पे आपको 50% में रखना है। ठीक है, ध्यान रहे 0% में भी नहीं रखना है, आपको 100% में भी नहीं रखना है, आपको 50% में रखना है, जिससे आपका जो ब्लैक्स है वो यहाँ पे एकदम डल या फिर डीप ब्लैक भी नहीं लगेगा, एंड आपका जो ब्लैक्स है वो यहाँ पे एकदम ग्रे तरीके का भी नहीं लगेगा, परफेक्ट लगेगा मेरे हिसाब से। तो मेक श्योर कि एक बार आपने ये सारे सेटिंग्स कर लिया उसके बाद आपको अपना विंडोज़ पे आना है, और जाने के बाद एक्चुअल जो कलर कैलिब्रेशन का जो मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए चलो मैं आपको अपना डेस्कटॉप में जाता हूँ, जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अपने मॉनिटर्स को जो है परफेक्टली कलर कैलिब्रेट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके मॉनिटर्स के लिए, चाहे आपके पास LG का मॉनिटर हो, चाहे आपके पास डेल का, AOC का, Acer का मॉनिटर हो, उसके लिए जो फैक्ट्री कलर कैलिब्रेटेड जो प्रोफाइल आता है उसको कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, उसके लिए आपको गूगल खोलना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पे गूगल में लिखना है अपना मॉनिटर का मॉडल नंबर, जैसे कि मेरा है LG 29UM69G। उसके बाद आपको स्पेस देके लिखना है ड्राइवर,
लिखने के बाद आप उनका ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाओगे, जैसे कि मेरा ये वाला मॉनिटर है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर लेकर आएगा, देख सकते हो ये मेरा मॉनिटर है। उसके बाद आप लोगों को जाना है सपोर्ट पेज पर, ठीक है। सपोर्ट पेज पर आने के बाद यहाँ से आपको एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क का सेक्शन दिखेगा, जहाँ से आप इसके जो सारे सारी चीज़ है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैनुअल्स पे मत जाना, सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क सेक्शन में जाना है। जाने के बाद यहाँ से आपको नीचे बहुत सारा ऑलरेडी अवेलेबल ड्राइवर्स वगैरह दिखेगा। जो ऑन स्क्रीन कंट्रोल है उसको आपको डाउनलोड नहीं करना है, जो यहाँ पे विंडोज 10 के लिए ड्राइवर है उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये छोटा सा फाइल है, लाइक एकदम 36 KB का है, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद गूगल क्लोज कर देते हैं हम लोग इसको, और ये देख सकते हो मेरा जो zip फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और अंदर हम लोग को मिलता है एक ICM फाइल, यही हम लोग को चाहिए। यहाँ पर सेटअप एक्स नहीं चाहिए, हम लोग को कैट वगैरह INF वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ ये जो ICM फाइल है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो हम लोग येस टू ऑल कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो फोल्डर है वो आ चुका है, यहाँ पर आपको एक ICM प्रोफाइल मिलेगा, .ICM नाम का फाइल मिलेगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका जो सर्च बार है वहाँ पे आपको जाना है, जाने के बाद लिखना है कलर। कलर लिखने के बाद आपका ये जो कलर मैनेजमेंट प्रोफाइल है, मतलब कलर मैनेजमेंट का जो ये सेक्शन है वो आ जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करके आपका जो ICM प्रोफाइल है उसको ऐड कर लेना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा ICM प्रोफाइल जहाँ पे मैंने रखा हुआ था, डबल क्लिक करेंगे हम लोग इसको और ये LG अल्ट्रा वाइड यहाँ पे ऐड हो जाएगा .ICM। तो यही प्रोफाइल आपका जो फैक्ट्री कलर कैलिब्रेशन के साथ आता है वो यही प्रोफाइल है, और ये आपने अभी इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद आपको सिर्फ इसको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सेट एज डिफॉल्ट प्रोफाइल में क्लिक करना है, तो ये जो प्रोफाइल है आपका वो इनेबल हो जाएगा और आपको बेस्ट से बेस्ट कलर्स देखने को मिल जाएगा आपका मॉनिटर्स में। तो ये तो था ऑटोमेटिक वे किस तरीके से आप जो अपने मॉनिटर्स के लिए जो प्रोफाइल आता है उसको कैसे इंपोर्ट करके उसको कैसे यू नो इनेबल या फिर अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं और हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। जिन लोगों के पास बहुत ही पुराने मॉनिटर्स हैं और यू नो वो सारे मॉनिटर्स के साथ ये जो प्रोफाइल है वो नहीं आता था, तो यहाँ पे उनके लिए एक और ट्रिक है, जो कि आपको मैनुअली आपके जो मॉनिटर्स है उसका कलर को यहाँ पे कैलिब्रेट करना होगा। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको सर्च पर वापस जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है कलर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट लिख दोगे तो ही आ जाएगा ये विंडो, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन है उसको आपको फॉलो करना है। करते करते आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जो भी ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट करते करते आपका सारा का सारा जो स्टेप्स है वो यहाँ पे हो जाएगा। मेक श्योर कि आपने ऑन स्क्रीन जितना सारा भी टेक्स्ट वगैरह है वो पढ़ लिया, जिससे आपको कलर कैलिब्रेट करने में काफ़ी आसानी होगा। और मैं ये सारे टेक्स्ट पढ़ने जाऊँगा तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को पढ़ें और पढ़ के यहाँ पे आप जो है अपने मॉनिटर्स को यहाँ पे मैनुअली जो है कलर कैलिब्रेट करें। बट मेक श्योर कि उससे पहले मैंने जो पहले वाला ट्रिक्स या फिर मेथड बताया था अपने जो मॉनिटर्स का जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले से यहाँ पे आपको सेटिंग्स करना है, मेक श्योर कि आप वो सारे सेटिंग्स को कर लिया है एंड उसके बाद ही आप जो है इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। सारे सारी चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको एक टेक्स्ट यू नो टेस्ट देना पड़ता है, जहाँ पे आपको बताना होता है कि कौन सा टेक्स्ट आपको सबसे सही लग रहा है, तो आपको वो सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है कौन सा टेक्स्ट आपको सबसे बेटर लग रहा है देखने में। तो ये सारे टेक्स्ट में से आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो उस हिसाब से आपका जो मॉनिटर्स का जो शार्पनेस है वो यहाँ पे ये ऐड करेगा और ब्लरनेस को यहाँ पे डिसेबल करेगा। तो उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपका जो मॉनिटर का कलर कैलिब्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और एक नया ICM प्रोफाइल वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक नया कलर कैलिब्रेशन प्रोफाइल ऐड हो जाएगा, जिसको आपको सेट एज डिफॉल्ट प्रोफाइल में क्लिक करना है, जो कि आपने अभी अभी क्रिएट किया है कलर कैलिब्रेशन के साथ, तो वो आपको यहाँ पे इनेबल या फिर सेट एज डिफॉल्ट प्रोफाइल करना है। अगर आपके पास ICM प्रोफाइल ऑलरेडी है आपके मॉनिटर के लिए तो मेक श्योर कि आप उसको ऐड एंड इंपोर्ट करें, जिससे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलर देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है मैनुअली कलर कैलिब्रेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। सो दैट वॉज प्रीटी मच ऑफ इट गाइज, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आपको ये वाला वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को यहाँ पे मिस ना करो। और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।